बहुत अच्छा नाम तय करें, मुस्लिम ऐक्य वेदी का दम है इसमें। हमें कल बैठे थे, कुछ खुशूस लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो होता रहता है शुरुआत में तकलीफ आते रहते, लेकिन मकसद और मंजिल पहुंचने के लिए सारे मसले सामना करना पड़ता। जब तक हमें मंजिल हासिल करना है, मंजिल तक पहुंचना है बोले तो ये सारे तकलीफा इंसान को सामना करना पड़ेगा। हुजूर पाक भी इस्लाम लाने के वास्ते जंग करे तो जो हम लोगों को इस्लाम आया। इसी तरह हमें मुसलमान भाई, जिस तरह प्रोफेसर साहब कन्नूर के प्रोफेसर साहब बताए, हमें क्यों पिछड़ापन से चल रहे, क्यों हम लोगों को टारगेट किया जाता है, तो खास करके कॉरपोरेट सेक्टर जो जिस तरह मुसलमानों को खिलाफ साजिश किया जाता है, ये सारे हथियार उनके हाथ में है। इससे बच के रहना बोले तो समझदार बनना, पहला सोचना पड़ेगा। जब तक वो सोच नहीं है तो हमें और तकलीफों की गड्ढे में फंस जाने का मौका आने वाला है। हमारे खिलाफ जो साजिश जिस तरह भारत में नहीं पा रहे, बुल्क में हो, जिस तरह होता जा रहा है, इसमें हमें गौर करना है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, भारत में मुसलमान भाइयों ने भाईचारा प्यार मोहब्बत से जीते हैं। अगर कंपेयर से बाहर मुल्कों से अगर हमें तुलना करेंगे तो अल्लाह का शुक्र है, भारत में मुसलमान भाइयों ने कहीं ना कहीं सुकून से, भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से हमें हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिड़गिड़ा के हमारे इरादा रखते हैं। लेकिन हमें अभी परखना पड़ेगा, हमें गौर करना पड़ेगा। आज एक हिंदुस्तान बना है, एक भारत बना है बोले तो भारत बनाने में, भारत की जो आजादी हासिल करने में मुसलमान का बहुत बड़ा कुर्बानी, बहुत बड़ा ताकत, बहुत बड़ा लड़ाई लड़े, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान को आजादी हासिल करें। हमें हासिल करने के समय में ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ये ईसाई है, ये वो है, ये वो है बोल के कभी सोचे नहीं है। वो उस दिनों में भी कुछ ताकतें है मुसलमानों कमजोर करने वाले, उस दिनों में भी महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, उमर मुख्तार जैसे बड़े बड़े शख्सों की ख्यालों को कमजोर करने की ताकत अभी है। महात्मा गांधी को किसने मारा है? जो भाईचारा को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी को मारा है। मोहम्मद अली जिन्ना कभी यह सोचा नहीं कि मुसलमानों के लिए अलग से मुल्क बनाना है बोल के, लेकिन आज कुछ साजिश, कुछ ताकतों ने ये मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया है, मुसलमानों वहां जाना चाहिए, ये इस तरह जो भड़काऊबाजी की बातें कर रहे हैं, ये भारत में जो भाईचारा को खत्म करने वाला है, इसमें गौर करना पड़ेगा। जब तक आपके आने वाले नौजवान नस्ल हमारे जो कुर्बान क्या है इस भारत बनाने में, इस भारत मजबूत बनाने में, इस भारत को बड़ा, इस दुनिया में बहुत बड़ा ताकत वाला मुल्क बनाने में, जो मुसलमानों की भाषा क्या क्या इस भारत में बनाए, बहुत सारे लोगों को जानते नहीं है हमारे भाषा, कई कई मंदिर है देवले बना के रखे, इस बात को दबा के रखे। आज जो भारत को पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा ताकत वाला भारत दिखाने में, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बड़े बड़े जो भारत के शाने माने के जो चीजें बनाए गए, तो वो मुसलमान भाषाओं ने बनाया है, वो भाईचारा बनाया है, वो भारत में भाई इच्छा प्यार मोहब्बत बनाया है। ये नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये सब कभी सोचा नहीं है, सोचना पड़ेगा। आजादी के लड़ाई में अगर आप देखेंगे तो आप देखो इंडिया गेट, दिल्ली में इंडिया गेट के नाम पे, इंडिया गेट के जो दीवारों पे जितने लोग शहीद हुए इनके नाम रहते आज भी, इसमें 70% मुसलमानों के नाम है, ये है मुसलमानों की कुर्बानी है। चाहे बॉम्बे में इंडिया गेट है वहां भी नाम है, वहां पे जितने लोग जो कुर्बानी दिया गया उसका नाम है, तो उसमें ज्यादातर मुसलमान है। ये हमें हम लोगों को समझाना पड़ेगा, हमें हमारा गैर भाइयों को समझाना पड़ेगा,
आज जिस तरह कुछ ताकतों ने बोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है इस बात को। आरएसएस एक ऐसा सोच वाला है सिर्फ मुसलमानों के नाम पे यहाँ पे सियासत करने का कोशिश किया जाता है। आरएसएस एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है। आरएसएस एक पार्टी है, वो पार्टी रिमोट लेको भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी को रिमोट से चलाते हैं, मोदी जैसे 100 लोगों को तैयार करता है। ये आज का मेहनत नहीं है, आजादी लड़ाई से लेकर आज भी ये नस्लें आज भी है। ये नस्लों को अभी तक का दबा के आया है, लेकिन आज वो लोग हुकूमत में आने के बाद इन लोगों को ताकत मिला है। हमें सोचना पड़ेगा आने के जो नौजवानों की या नस्लों को, इनको परखना पड़ेगा। हमें सबर से जिस तरह हमारे खिलाफ साजिश किया जाता है, मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान का भाई कोई गलत करा है तो आज इस्लाम मानता नहीं, वो गलत करे तो गलत कर रहे बोल को बोलेंगे। टेररिस्ट के नाम पे मुसलमानों के ऊपर धब्बे डालते रहते हैं, मुसलमान इस्लाम कभी कबूल करता नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर कोई हमला करा है, इंडिया के मुसलमानों को क्या लेना देना मतलब है? वहां के जो ताकत वाले है ना, क्या के मुसलमानों के ऊपर हमले करना, कुचलना, दबाव करना, डालना, इन लोगों के ऊपर धब्बे लगाने का कोशिश किया जाता है। मेरा ये कहना है भाई लोग, जब तक हमारे में एक सोच, एक सबर, लीगल में जबरियत क्या दे रही है, जमहूरियत क्या बोल रही है, जमहूरियत हम लोगों को क्या जो राइट दिया है, इसको समझना पड़ेगा। जब तक जमहूरियत से हर एक इंसान को एकाक हक दिया गया है, वह हक हमारे से जबरदस्ती से छीने जा रहा है, इससे परखना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। जब तक आपका हक क्या है, मस्तान वाली का हक क्या है, भाई का क्या हक है, ईसाई भाई का क्या हक है, क्या एससी भाई का क्या हक है, जमहूरियत क्या बोली है, ये जब तक आप लोग समझाएंगे नहीं तो आने वाला दिन बड़ा खतरनाक साबित होने का मौका है। इससे अगर बचना है तो हमें समझना पड़ेगा। सियासत में अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रिजर्वेशन है, बीजेपी का अपना एजेंडा है, टीडीपी का अपना एजेंडा हो सकता है, जगन पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन और एक पार्टी का और एक एजेंडा हो सकता है। एजेंडा वाला अपना एजेंडा के मुताबिक चलेंगे, खुल के उनके लीडर के सामने भी कुछ नहीं बोलने वाले है, लेकिन जो ऐक्य वैदिक जो चलाने वाले है, ये भाईचारा मुसलमान का जो अंदर थी के लिए मुसलमानों की ताकत के लिए काम करना है। आरएसएस वाले मेहनत करते हैं, कुर्बान करते हैं, ये उन लोगों का हिंदू मुल्क कैसे बनाने का कोशिश किया जाता है। लेकिन ऐक्य वेदी के जो जिम्मेदारी लोगों से मेरे गुजारिश है, पॉलिटिकल से ताल्लुकात मत रखो, आपका सोच रहना चाहिए मुसलमानों की हमदर्दी कैसे करना है, मुसलमानों को किस तरह ताकत वाला बनाना है, मुसलमानों की आवाज ये किस तरह बना सकते हैं, ताकि हुकूमत को किस तरह उतर के मुसलमानों को मसलों को किस तरह हल किया जाता है, ये तय करना है। मुसलमानों को शादियां कहीं नहीं करे, 50,000 रुपए नहीं दिया है, इसने जो था घर बनाया, इससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है। बच्चा आज 350 बच्चे मुसलमानों को जो एनआरआई के नाम पे जाके आज बाहर मुल्कों में जो गली में बैठ के छोटा मोटा काम कर लेके जीते हैं, वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन स्कीम है, स्कीम इंप्लीमेंट करने वाला नहीं है। मैं मुस्लिम भाई की वजह से गुजारिश करता हूँ, मुतालबा करो इस सरकार से, क्यों नहीं दे रही है, क्यों हमारे मुसलमान भाई है फॉरेन में जाके वहां का तकलीफ पड़ रहे, आपका जो आपका बिल में है मुसलमान भाई को पैसे देने के लिए, हम हमेशा लड़ते रहते हैं, हमारे आवाज में जब तक ताकत है यहाँ लड़ते रहते हैं, उसका बाप वहां भी लड़ने वाले हैं, पार्लियामेंट में लड़ते हैं, पार्लियामेंट बाहर भी लड़ते हैं, लेकिन परखना आपको कौन हमारा ख्यालों के साथ हमारा भला के लिए कौन लड़ता है, हमारे तालीम के लिए कौन लड़ता है, हमारे नौजवान को ले कौन लड़ता है, ये जब तक हमें परखेंगे नहीं तो हमें और दिन भर दिन गड़े में घुस जाएंगे। ये मेरा छोटी दरखास्त है, कुछ नहीं है। हुजूर पाक ने एक बात बोला है, कुछ अमर सेन की बात बोलना चाहता हूँ।
इस तरह सुंदर भारत बनाने में, इतना ब्यूटी भारत बनाने में, इतने कौम इतने मजहब रहने का भारत बनाने में मुसलमान बिना मुसलमान सोचना बेकार है, भारत के लिए सही नहीं है। यह अमर सेन का डायलॉग है, यह अमर सेन की बात है। अमर सेन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। इस बात को आज के हुकूमत के लोग